अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जना, मैंने कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे एक मैंने स्टोरी लगाई थी कि चलो जी बताओ अपने अपने मसले। अब लिटरली ऐसे ऐसे मसले बताए लोगों ने कि मुझे ऐसा ना ये सुन सुन के ये लगने लग गया कि हमारे लोगों में ना, मतलब पाकिस्तान के लोगों में दिमागी तवाज़ुन, दिमाग की बहुत कमी है यार हम लोगों में। लिटरली ऐसे ऐसे मसले तुम लोगों के। अच्छा खैर, अब मसले शुरू करते हैं हम। मसला क्या था? सबसे पहला मसला ये था कि भाई मुझे शादी करनी है और मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊं कि मैं खुद 15 साल की हूँ। पहले तो मेरा दिल किया कि जिसने मुझे ये मैसेज किया ना, उसके घर में ना ये स्क्रीन शॉट मैं बड़ा बड़ा करके उसके घर के बाहर लगवाऊं कि देखो आपके घर का बच्चा जवान हो गया, बच्ची जवान होगी, शादी कर दो इसकी। मेरी बात सुनो, तुम लोगों से अलमारी से कपड़े बाहर निकल रहे हैं वो तुमसे समेटे नहीं जाते, तुम लोगों को बिहार जाने हैं। यार सीरियसली, जब हम छोटे थे ना, हमारे माँ बाप, जब हम 15 साल के थे ना, हमें ये टेंशन रहती थी यार पहली दफ़ा बोर्ड एग्जाम देने हैं, पहली दफ़ा करना है, क्या होगा क्या नहीं, और तुम लोग कुछ शादियाँ करनी है। सीरियसली यार, मैं अप्रिशिएट करती हूँ तुम लोगों को। अच्छा, अब जो दूसरा मसला था वो ये था कि जब मैं कॉलेज से आ जाती तो मेरा अकेडमी जाने को दिल नहीं करता, और अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ तो मेरा फिर कॉलेज जाने का दिल नहीं करता, इस तरह का था। मेरी बात सुनो, फिर तुम ना एक काम किया करो, जब तुम अगर फिर भी तुम कॉलेज चली जाती ना, रो दो पिट के तुम जब कॉलेज चली जाती, जब तुम्हारा अकेडमी है जाने को दिल नहीं करता ना, तो अपने हलक में ना उंगलियां डाला करो, ठीक है? या फिर ना थोड़े से पानी के अंदर ना 2-3 चम्मच रख के नमक के डाला करो, ऐसी तुम्हें उल्टियाँ आएंगी ना, फिर तुम मम्मा को कहना मम्मा पेट में बहुत पेन हो रही है, मैंने ट्यूशन नहीं जाना, अकेडमी नहीं जाना, मैंने आसान सा ऑप्शन बताया मैंने। फिर उसके बाद जनाब तीसरा मसला था कि ना मैंने पास होने का तरीका बताओ। देखो यार, पास होने का ना बड़ा ही एक आसान सा तरीका है यार, मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद कोरोना में पास हुई। नहीं नहीं सीरियसली यार, ये मसला पढ़ लो यार, कुछ नहीं होता, क्या हो गया, पढ़ लिख के कुछ बन जो बुक्स खोलो, वो अलग बात है, नींद बहुत आती है पढ़ के, लेकिन अब पढ़ना तो है ही, कुछ क्या कर सकते हो आप लोग। अच्छा जी, तो नेक्स्ट मसला था जी कि जिंदगी में समझ नहीं आता जिंदगी में मसले हैं या मसले में जिंदगी या वट एवर, क्या है आपकी क्या राय है इस बारे में? तो भाई मेरी राय यही है कि तुम ऐसा करो, सारी जिंदगी मसले सारा कुछ छोड़ो, नशे के टीके लगाओ, वो लगाना शुरू कर दो, दिन रात सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट था जी, वार्डरोब फुल है लेकिन फिर भी पहनने को कपड़े नहीं मिलते। हमारी पाकिस्तानी माएँ ना, जब हम लोग कहीं जाना हो ना, कपड़े ना मिले, हमारी माँ एक ही बात कहती है, मेरी बात सुनो, कपड़े निकालो और आग लगाओ, तुम लोगों के पास तो कभी पहनने को कपड़े नहीं होते। तुम भी मेरी बहन यही काम करो, कपड़े निकालो, उनको आग लगा दो, फिर अपनी मामा को कहना मामा मेरे पास कपड़े नहीं है, फिर ना उसी आग में तुम्हारी मामा ने तुम्हें फेंका ना, फिर मुझे कहना। अच्छा, अब ना ये मसला सुन के मुझे लिटरली हंसी तो बड़ी आई कि मसला क्या था कि मेरी बहन ना मुझे, मैंने बहन को अपनी कब से कहा है कि मुझे खाला बना दो, वो लोग आते मुझे खाला नहीं बना रही। यार मेरी बात सुनो, खाला बनने के लिए ना शादी करना लाजमी होता है, ठीक है? तो अपनी बहन की अच्छे से रिश्ता दे के फटाफट शादी करवाओ, और आप कोई 9 महीने बाद हाँ तुम खाला बन जाओगी, बस बात खत्म। अच्छा जी, तो नेक्स्ट मसला, आई हैव नो गर्लफ्रेंड। मेरी बात सुनो भाई, जब तुम अपने स्कूल में फेल हो जाओ ना, तो तुम अपना रिजल्ट छुपाते फिरते हो अपने घर वालों से कि उनको पता ना चल जाए, चिता ना पड़ जाए मुझे, तुम लोगों ने गर्लफ्रेंड रखनी है, फैमी बातें करते हो, गर्लफ्रेंड नहीं है मेरे पास कोई। अच्छा, केमिस्ट्री नहीं समझ आती यार, मेरी बात सुनो, रिलेशनशिप वाली केमिस्ट्री जो तुम लोगों को बड़ी जल्दी समझ आती है, घंटे बाद ही जानू सोना बाबू टोना बन जाते हो तुम लोग। तुम लोगों को बुक्स की केमिस्ट्री नहीं याद हो रही है, याद करो, इसी में फ़ायदा है, वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, कख नहीं मिलना। अच्छा, मेरी जैसी डॉक्टर हो तो लोग रोज़ बीमार होना पसंद करें। देखो मेरी बात सुनो, मैं डॉक्टर इसलिए तो बन रही ताकि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करो और फिर मेरे पास आते जाओ। यार क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, हर दुनिया में हर डॉक्टर प्यारा होता है। अच्छा, नेक्स्ट है, बिना पैसों के वर्ल्ड टूर करना चाहता हूँ। तो भाई मेरी बात सुनो, अपने दोनों गुर्दे बेचो, तुम वर्ल्ड टूर, तो क्या तुम आउट ऑफ वर्ल्ड निकल जाओगे, कैसा पूरा टूर हो जाएगा तुम्हारा। आधी रात को भूख लग जाती है, देखो यार यही सेम मसला ना हमारे साथ भी, हमें भी आधी रात को भूख लग जाती है, लेकिन इसका तुम्हें मैं आसान हल बताऊँ क्या, तुम ना जो सब सारे जगह जब खाना खा रहे होते हैं, तुम वहां जाओ, वहां से एक प्लेट निकालो और अपने ला के पास रख लो, उधर खाना ना बैठ जाना, ठीक है? जब रात को भूख लगे वही प्लेट निकालो और वही खा लो, डबल डबल ना खाया करो, सही है? फिर जब तुम्हारा वेट इंक्रीज हो जाता है, तुम लोग जिम भागते हो, भाई वेट कम करना है हमने। BTS के सारे मेंबर से शादी करना चाहती है, यार मेरी बात सुनो, हमारे इस्लाम में 4 तो जायज हैं, इतने सारे बंदे लेके तुमने कहाँ जाना है, और मेरी बात सुनो, तुम कैसे फर्क बताओगी ये वो है ये वो है ये वो है, 4 शादियां लाओ यार, कितने BTS के कितने मेंबर है, 7 तुम 7 शादियां रख के क्या करोगी? हैं BTS के सारे मेंबर से शादी करनी है, एक से तुम्हारी हो नहीं रही, तुमने 7 से करनी है।
ये बड़ा सॉलिड मसला है यार कि मेरे दोस्तों ने मुझे फिल्म कराई और मैं खुद घूमने चले गए, तो तुम बताओ क्या करो। तुम ना ऐसा करो, उनके साथ अच्छा खासा प्लान बनाओ, उनके साथ नॉर्मल हो जाओ, ठीक है? कैसे फफे घुटने वाली मिसाले तुम लोगों को तजर्बा आइडियाज दे रही हूँ। खैर ऐसा करो कि तुम ना उन्हीं के साथ सारे आइडियाज बनाओगे, हाँ भाई यहाँ घूमने चलते हैं, ये वो फलाना, लास्ट एट द पीक मोमेंट में तुम उनको मना कर देना, नहीं भाई यार मैं नहीं जा रहा, घर वाले नहीं मान रहे, ये वो फलाना, बहन की तबीयत खराब हो गई, कुछ भी कह देना, ठीक है? और अगले घंटे बाद उनको स्ट्रीक्स में नाम लगा के भेजना कि भाई मैं यहाँ आ गया हूँ, तुम लोगों ने मुझे फिल्म कराई, मैं क्यों पीछे रहता। अच्छा जी, तो था लास्ट था आई एम नॉट फनी येट। तो देखो मेरी बात सुनो, जो लोग तुम्हारे साथ जुड़े होंगे ना उनको पता होगा तुम कितने फनी हो कितने नहीं हो। सो शराफत से ना अच्छे बच्चों की तरह तुम फनी रहो, जैसे हो वैसे रहो। सो होप सो आप लोगों ने आज का व्लॉग इन्जॉय किया होगा, वीडियो इन्जॉय किया होगा। किसी को भी क्रिटिसाइज या तंग करने के लिए नहीं वीडियो होती है ये, जस्ट ऐसी एक शोकी और मजाक वगैरह में बनती है। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मत सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अल्लाह हाफिज़।